गिरफ्तारी से पहले थप्पड़ कांड का आरोपी नरेश मीणा मीडिया के सामने आया। कहा एसडीएम फर्जी वोटिंग करा रहे थे, पुलिस की वजह से बवाल हुआ। नरेश मीणा बोले, पुलिस वालों ने मेरे साथ मारपीट की, आंसू गैस के गोले दागे, उन्होंने हमारी गाड़ी भी फूंकी। मीणा बोले, पुलिस वालों ने हमारे समर्थकों से बर्बरता की, पुलिस ने शुरुआत की, हमने बराबर का जवाब दिया। नरेश मीणा ने कहा, जिन लोगों को गिरफ्तार किया है वे सभी निर्दोष हैं, मुझे किरोड़ीलाल मीणा के अलावा किसी से कोई उम्मीद नहीं। टोंक हिंसा में जलाई गई गाड़ियों की आई तस्वीर, कई गाड़ियों के जलने के बाद बचे हैं केवल ढांचा। पूरे राजस्थान में आरएएस अफसरों की पेन डाउन स्ट्राइक, एसडीएम को थप्पड़ मारने के विरोध में अफसरों की हड़ताल। टोंक थप्पड़कांड पर बोले अशोक गहलोत, कल जो घटना हुई दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब सरकार की विश्वसनीयता बची है। प्रयागराज में धरना दे रहे छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई, पुलिस ने कुछ छात्रों को डिटेन किया। प्रयागराज में पुलिस की कार्रवाई से छात्रों का हंगामा, धरने पर बैठे प्रदर्शनकारी छात्रों ने बैरिकेटिंग तोड़ी। बैरिकेटिंग को अगर कर छात्रों को रोकने की कोशिश कर रहे थे पुलिस के जवान, एक साथ आए छात्रों के बड़े हुजूम को पुलिस नहीं रोक सके। प्रयागराज में प्रदर्शनकारी छात्रों का पुलिस पर आरोप, सिविल ड्रेस में आई पुलिस ने हाथापाई की, प्रदर्शनकारी छात्रों को पुलिस ने घसीटा। छात्रों को हिरासत में ले जाने पर बोले डीसीपी, छात्रों के बीच बैठे कुछ आपराधिक तत्वों को हिरासत में लिया गया है। प्रयागराज में चौथे दिन भी यूपीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, यूपी लोक सेवा आयोग के सामने चल रहा है प्रदर्शन। छात्रों ने पीसीएस आरओएआरओ की परीक्षा दो दिन में कराने का किया था विरोध, एक दिन और एक ही शिफ्ट में परीक्षा कराने की मांग। लखनऊ में समाजवादी छात्र सभा का प्रदर्शन, यूपी लोक सेवा आयोग के खिलाफ प्रोटेस्ट, एसपी कार्यकर्ताओं ने सरकार आयोग के खिलाफ की नारेबाजी, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। प्रयागराज में आंदोलनकारी छात्रों पर कार्रवाई को लेकर अखिलेश यादव का ट्वीट, आंदोलन तन से नहीं मन से लड़े जाते हैं, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। प्रयागराज में छात्रों के मुद्दे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर पलटवार, लिखा छात्रों की भावनाओं का राजनीतिकरण कर रहे हैं। कैश फॉर वोट्स केस में देशभर में कई जगहों पर ईडी का छापा, अहमदाबाद में 13 जगहों पर एजेंसी की कार्रवाई, सूरत नासिक और मुंबई में भी ईडी की छापेमारी। 100 करोड़ के मनी ट्रांजैक्शन के मामले में एक्शन में ईडी, महाराष्ट्र और गुजरात के 23 अलग अलग लोकेशन पर रेड। मालेगांव पुलिस ने मास्टरमाइंड सिराज मोहम्मद को बुधवार किया था अरेस्ट, नासिक मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक का मैनेजर दीपक निकम भी अरेस्ट। पश्चिम बंगाल में लॉटरी घोटाले में ईडी की कार्रवाई, लॉटरी टिकटों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में रेड। कानपुर की सीसामऊ सीट से सपा के निवर्तमान विधायक इरफान सोलंकी की जमानत मंजूर, इरफान सोलंकी की विधायकी बहाल नहीं होगी। कोर्ट के फैसले से कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट का सस्पेंस खत्म, कानपुर की सीसामऊ सीट पर भी 20 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। वक्फ बोर्ड मामले में आप एमएलए अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत, राजवेणी कोर्ट ने दिया रिहा करने का आदेश। कोर्ट का ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार, कहा अमानतुल्लाह के खिलाफ मामले में प्राप्त सबूत, लेकिन मुकदमा चलाने के लिए संबंधित अथॉरिटी से नहीं ली गई अनुमति। देश की राजधानी दिल्ली में सांस लेना हुआ बेहाल, कई इलाकों में एक्यूआई 400 के पार पहुंचा, आसमान में छाई धुंध। दिल्ली के आनंद विहार, अशोक विहार, बवाना, चांदनी चौक में 400 पार एक्यूआई, आईटीओ ओखला पंजाबी बाग में भी एक्यूआई 400 पार। दिल्ली के अलीपुर में 424, द्वारका में 457, रोहिणी में 453 दर्ज किया गया, पटपड़गंज में 472 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया। वजीरपुरा जहांगीरपुरी में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 पार, मथुरा रोड में 399, लोधी रोड पर 383 और गुराड़ी में 354 एक्यूआई दर्ज। एम्स इलाके में सुबह में ड्रोन वीडियो में दिखा स्मॉग का कहर, हर तरफ छाई धुंध। यमुना एक्सप्रेसवे पर छाया घना कोहरा, गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक, कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम। दिल्ली में कोहरे का रेल यातायात पर असर, दिल्ली आने वाली 12 ट्रेन देरी से चल रही हैं। दिल्ली एयरपोर्ट ने हवाई यात्रियों को जारी की एडवाइजरी, दिल्ली में धुंध की स्थिति लगातार गंभीर, फिलहाल सभी फ्लाइट समय से। दिल्ली में एक्यूआई 400 के पार होने के बावजूद अभी भी नहीं लगेगा ग्रैप 3, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। गोपाल राय बोले, ग्रैप 2 के नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा, हवा की गति बढ़ने से कल से प्रदूषण का स्तर में सुधार की संभावना। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए जगह जगह पानी का छिड़काव, दिल्ली की वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। दिल्ली की यमुना नदी में बड़ा प्रदूषण, नदी की सतह पर देखी गई जहरीली झाग। अमृतसर में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, स्वर्ण मंदिर पर छाई धुंध की मोटी परत। पंजाब के कई इलाकों में प्रदूषण की मार, बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर साहिब राम बोले, प्रदूषण के कारण दमा से पीड़ित बच्चों को तीव्र अस्थमा का दौरा। यूपी के वाराणसी में भी बड़ा प्रदूषण, लोगों की परेशानी बढ़ी, पूरे इलाके में स्मॉग की परत देखी गई। अयोध्या में भी खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, पूरे इलाके में स्मॉग की परत देखी गई। उत्तर प्रदेश के गोंडा में भी प्रदूषण बढ़ा, पूरे इलाके में स्मॉग की मोटी परत, विजिबिलिटी कम। पीएम मोदी को मिलेगा डोमिनिका का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान, डोमिनिका के प्रधानमंत्री कार्यालय ने दी जानकारी। डोमिनिका के ने पीएम मोदी को कोरोना काल में किए गए उनके कार्यों के लिए सम्मान देने की घोषणा की। कोरोना में भारत ने कई देशों को भेजी थी वैक्सीन और दवाइयां। महाराष्ट्र के बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे पीएम मोदी, मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में 16 नवंबर को 11:30 बजे संवाद।
बैग चेक मामले पर बोले महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, चुनाव आयोग को पीएम मोदी और अमित शाह का भी बैग चेक करना चाहिए। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बोले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, महाराष्ट्र में माहौल हमारे पक्ष में, महाविकास अघाड़ी की जीत पक्की। महाराष्ट्र चुनाव में यूपी के सीएम योगी के बयान पर बोले के सी वेणुगोपाल, योगी आदित्यनाथ का एजेंडा लोगों को बांटना और उनके बीच नफरत पैदा करना है। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में बोले एआईएमआईएम प्रमुख कुवैसी, संभाजीनगर की दोनों सीटों पर हमारी पार्टी की जीत होगी। नागपुर की रैली में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने नाम लिए बिना देवेंद्र फडणवीस की पत्नी पर साधा निशाना, बोले धर्म को बचाना सभी की जिम्मेदारी। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा महाराष्ट्र के शिरडी पहुंचे, साईं बाबा मंदिर में की पूजा अर्चना, माथा टेक कर लिया आशीर्वाद। झारखंड के गिरिडीह में अमित शाह ने रैली को संबोधित किया, सोरेन सरकार पर बोला हमला, कहा जेएमएम सरकार का ध्यान सिर्फ घुसपैठियों को राज्य में घुसाने पर। धनबाद में यूपी सीएम योगी ने चुनावी रैली की, बोले झारखंड में घुसपैठ नहीं होने देंगे। धनबाद दौरे पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ निरसा स्थित काली मंदिर में पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर बोले गैस सिलेंडर देने में न हिंदू देखा जाएगा, न मुसलमान, न घुसपैठिया। झारखंड चुनाव को लेकर बोले बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर, कल पहले चरण के मतदान में जनता ने बीजेपी के लिए वोट किया, झारखंड में कमल खिलने जा रहा है। एमपी उपचुनाव पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, चुनाव में पुलिस की भूमिका, बीजेपी कार्यकर्ता जैसे ही चुनाव में डकैतों का इस्तेमाल हुआ। 21 नवंबर को होगी वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी की मीटिंग, अल्पसंख्यक मंत्रालय देगी कमेटी के सामने प्रेजेंटेशन। गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल सरकार पर साधा निशाना, बोले बंगाल हिंसा की राजधानी बन चुकी है। कोटा दौरे पर राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा, सर्किट हाउस में सीएम ने जन सुनवाई की। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आज 135वीं जयंती, दिल्ली में शांतिवन जाकर प्रियंका गांधी ने दी श्रद्धांजलि। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की 135वीं जयंती पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। दार्जिलिंग पहुंची सीएम ममता बनर्जी, बच्चों के साथ मनाया बाल दिवस। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में ऐतिहासिक जौल जीबी मेला का उद्घाटन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया उद्घाटन। त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्रसेन रेड्डी तिरुपति बालाजी पहुंचे, मंदिर में दर्शन कर भगवान श्री वेंकटेश का लिया आशीर्वाद। तिरुपति बालाजी पहुंचे आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल, भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। प्याज की बड़ी खेप लेकर नासिक से दिल्ली आई कांदा एक्सप्रेस, प्याज की कीमतों में कमी करने के लिए केंद्र सरकार की तैयारी। प्याज के दामों में भारी उछाल को कम करने के लिए कार्रवाई, दिल्ली में 35 रुपए किलो प्याज बेचेगी केंद्र सरकार, एनसीसीएफ, एनएएफईडी और मोबाइल वैन के माध्यम से होगी बिक्री। गाजियाबाद के वैशाली इलाके में एक स्कूल बस में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत से काबू पाया। आग लगने के वक्त बस में सवार थे 15-16 बच्चे, सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। चेन्नई में घायल डॉक्टर बालाजी से मिले स्वास्थ्य मंत्री सुब्रमण्यम, डॉक्टर पर एक मरीज के रिश्तेदार ने चाकू से किया था हमला। यूपी के हरदोई में व्यापारी से ज्वेलरी और रुपयों की लूट, विरोध करने पर व्यापारी को गोली मारी। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में एक लड़के पर चाकू से हमला, नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती। लड़के का पड़ोस के लड़कों के साथ था पुराना विवाद, वारदात की सीसीटीवी तस्वीर आई सामने, ये रिक्शा से भागते दिखे बदमाश। अभिनेता सूर्या की फिल्म कंगुआ हुई रिलीज, चेन्नई में सिनेमाघरों के बाहर इकट्ठा हुए फैंस।